राधे राधे दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको आटे के दीपक का कुछ संकल्प बताएंगे, जिसको करने से आप अपने जीवन की आर्थिक दिक्कतों को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। हिंदू धर्म में दीपक का बहुत ही महत्व है। हर पूजा त्योहार में लोग दीपक जलाकर आराध्य की पूजा करते हैं। दोस्तों, आमतौर पर घरों में पीतल, तांबे और मिट्टी के दीपक जलाए जाते हैं, लेकिन कई बार आटे के दीपक भी लोग जलाते हैं। दोस्तों, जब जीवन में बड़ी परेशानियां आती हैं, तो मनोकामना पूर्ति के लिए आटे का दीपक जलाकर इच्छा पूर्ति की कामना की जाती है। आटे के दीपक विशेष परिस्थितियों में विशेष दिनों के लिए ही जलाए जाते हैं, इसे रोज नहीं जलाया जाता है। आमतौर पर लोग किसी मनोकामना को मांगकर आटे के दीपक घटते और बढ़ते क्रम यानी दिनों के लिए जलाते हैं, जैसे 11 दिन, 21 दिन या फिर 31 दिन। आइए हम आपको बताते हैं कि कैसे लिया जाता है आटे के दिए का संकल्प। दोस्तों, कहा जाता है कि बजरंग बली के आगे आटे के दीपक प्रज्वलित करने से कर्ज में मुक्ति मिलती है, आर्थिक तंगी और शनि प्रकोप से छुटकारा पाया जाता है। वहीं पर दूसरा उपाय है, इसी तरह मां अन्नपूर्णा देवी को भी आटे का दीपक जलाकर घर में आर्थिक तंगी दूर करने की मुराद मांगी जाती है। दूसरे दीपकों की तुलना में आटे के दीप को ज्यादा शुभ और पवित्र माना गया है। कर्ज से मुक्ति, शीघ्र विवाह, नौकरी या फिर बीमारी या फिर संतान प्राप्ति के लिए, इन सब समस्याओं का निवारण करने के लिए आटे का दीप संकल्प के अनुसार जलाए जाते हैं। आटे के दीपक में कई तरह के क्रम बताए गए हैं। एक दीपक से शुरुआत करें और उसे 11 तक ले जाएं। जैसे संकल्प के पहले दिन 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, उसके बाद 5। इस तरीके से करते करते 11 तक दीप जलाने के बाद 10, 9, 8, 7, ऐसे फिर घटते क्रम में दीपक जलाए जाते हैं। दोस्तों, आर्थिक तंगी दूर करने के लिए आटे के दीपक जला रहे हैं तो आटे में हल्दी मिलाकर आटा गूंथ लें और दीपक के आकार बनाकर इसे देसी घी या फिर सरसों के तेल से जलाएं। अगर दीपक जलाने की संख्या पूरी होने से पहले ही जातक की मनोकामना पूरी हो जाती है तो भी इसी नियम को पूरा करना चाहिए। इसे खंडित करने से मनोकामना पूर्ति में दिक्कत आ जाती है। दोस्तों, शनिवार को शनि मंदिर में जाकर आटे के दीपक में सरसों का तेल डालकर जलाने से शनि की ढैया और साढ़े साती भी खत्म हो जाती है। मंगल दोष लगा है तो मंगल को प्रसन्न करने के लिए मंगलवार को हनुमान मंदिर में जाकर 11 दीपक का प्रण लिया जाता है। अगर कर्ज से परेशान है तो हर मंगलवार आटे से बना दीपक बनाएं और चमेली का तेल डालकर इसे हनुमान मंदिर में रख कर आएं और प्रभु को अपनी परेशानी बताएं। 11 मंगलवार तक यह क्रम करने की सलाह दी जाती है। ऐसा करने से आपको जरूर राहत मिलेगी। भक्तजनों, उम्मीद करती हूँ यह छोटी छोटी जानकारियाँ आपको पसंद आई होंगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है। मिलते हैं कुछ अगली जानकारियों के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।